Dear students, in today's lecture, we will see about the aromatic electrophilic substitution reactions. In our previous lecture, we have seen about aromatic compounds, how they are different from their acyclic compounds, and how we can classify the compounds as aromatic compounds, non-aromatic compounds, as well as the anti-aromatic compounds. Similarly, we have seen that what are the properties related to aromatic compounds. We have also seen about the Hückel's rule. So these many aspects we have covered it in our previous lectures. Now we will see about the reactions of aromatic compounds. First, we will see about the electrophilic substitution reactions. When we see about the chemical reactions, there are four major types of chemical reactions. One is an addition reactions, where any two species are getting added together to form something new species. लेट्स से ए प्लस बी आर गिविंग राइज टू सी. इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के हमें एक प्रोडक्ट देते हैं. सो इनको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शंस. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर इथीन है, सो इथीन में इफ यू आर एडिंग से एच बी आर, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिलेगा एच एक कार्बन पर जाएगा और बी आर दूसरे कार्बन पर जाएगा एंड वी विल हैव सी एच थ्री सी एच टू बी आर. तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बढ़ गया और इस कार्बन पर एक ब्रोमीन अटैच हो गया. सो यहाँ पर क्या हुआ कि दो रिएक्टेंट्स थे, दो रिएक्टेंट्स मिल करके हमें एक प्रोडक्ट दे रहे हैं. सो इसमें जनरली ये होता है कि देर आर मल्टीपल बॉन्ड्स इन वन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड सो अक्रॉस दैट मल्टीपल बॉन्ड्स देर इज एन एडिशन ऑफ अनदर ग्रुप इज बींग डन और कैरिड आउट, दैट इज कॉल्ड एज एन एडिशन रिएक्शन. दूसरे होते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं. एलिमिनेशन रिएक्शन में एडिशन रिएक्शन के एग्जाम ऑपोजिट होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव सी एच थ्री सी एच टू बी आर, इसमें से एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जाएगा और बी आर इस कार्बन से जाएगा एंड वी विल हैव सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस एच बी आर विल बी देयर. सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन. यहाँ पर जनरली हम मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं. जब भी एलिमिनेट होते हैं ग्रुप तो या इधर इट इज ए मल्टीपल बॉन्ड्स आर बींग फॉर्म्ड or there is a cyclic compound is being formed. There is a cyclization happening. So acyclic से cyclic बनाने में भी हमारा elimination होता है और multiple bonds बनाने में भी elimination reactions होते हैं. Third type के reactions होते हैं redox reactions. इसमें एक species reduction में होता है और दूसरे species का oxidation होता है. So one of the species loses electron और दूसरे स्पीशीज में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. सो देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हैपनिंग. सो वन ऑफ द स्पीशीज विल गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट रिड्यूस्ड और दूसरे स्पीशीज में लॉस होता है इलेक्ट्रॉन्स का और उसमें ऑक्सीडेशन होता है. सो दैट इज अ रिडॉक्स टाइप ऑफ रिएक्शन. द फोर्थ वन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि देयर इज एन एक्सचेंज हैपनिंग. एक्सचेंज ऑफ ग्रुप्स इज हैपनिंग बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स. So here we can say that, like for example, if we have A is attached with X and B is attached with Y, then it might happen that we will have a product where A is attached with Y and B is attached with X. So there is an exchange of group is happening between A and B. In example can be taken, like for example we have a यहां पर क्या होगा, वी हैव दिस पर्टिकुलर H2O, वी कैन राइट इट एज HOH और ये हमारा इथिल ब्रोमाइड. सो देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ ब्रोमीन विद हाइड्रोक्सी ग्रुप. सो हियर वी विल हैव अ हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड हियर वी विल हैव अ HBr. सो यहां पर क्या हुआ कि Br यहां से इथिल ग्रुप से Br डोनेट हुआ हाइड्रोजन को और हाइड्रोक्सी ग्रुप डोनेट हुआ दिस कार्बन. हाइड्रोक्सी ग्रुप डोनेट हुआ इस कार्बन को और बी आर डोनेट हुआ इस हाइड्रोजन को. सो देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ रिएक्शन इज हैपनिंग, एक्सचेंज ऑफ ग्रुप्स इज हैपनिंग. सो दिस टाइप ऑफ ग्रुप रिएक्शंस वी कॉल इट एज अ सब्स्टिट्यूशन. यहाँ पे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल की यहाँ पर जो ब्रोमीन ग्रुप इधर ब्रोमीन एटम कार्बन को अटैच था,
उसकी जगह पे अभी हाइड्रोक्सी ग्रुप कार्बन को अटैच है. एक जगह पे दूसरा ग्रुप वहां पर आया है. सो वी कॉल इट एज ए सब्स्टिट्यूशन. एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया है. सो वी कॉल इट एज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इन दिस लेक्चर वी विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व टू टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन. दैट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन एटम और ग्रुप बाय अनदर ग्रुप. बट देर आर टू टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन कि जो इनकमिंग ग्रुप है या जो आउट गोइंग ग्रुप है उसका चार्ज क्या होता है. उस चार्ज के डिपेंड पे हमारे पास दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं. एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास होता है कि जो इनकमिंग ग्रुप होता है दैट इज द ग्रुप दैट इज कमिंग इन इज इलेक्ट्रोफिलिक और इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल्स वो चीजें होती है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है. जो इलेक्ट्रॉन्स आर दे आर लविंग, दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग और दे हैव लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दे वांट सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. सो व्हाट हियर इलेक्ट्रोफाइल्स आर, इलेक्ट्रोफाइल्स आर अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज एंड दे वांट टू रिएक्ट विद दो स्पीशीज व्हिच आर हैविंग डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन्स. सो दैट विल बी एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इफ देयर इज अ इनकमिंग ग्रुप और द एक्सचेंजिंग ग्रुप दैट इज हैपनिंग, दैट एक्सचेंजिंग ग्रुप और द ग्रुप व्हिच इज गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड इज एन इलेक्ट्रोफाइल, देन वी कॉल सच रिएक्शंस और सच सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. द अदर इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. इन दिस व्हाट द ग्रुप दैट इज गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड इज अ न्यूक्लियोफाइल. Nucleophiles are those which are electron rich. Nucleophiles are electron rich species. That is, they have extra amount of electrons. Either they have a complete negative charge or they have a partial negative charge. So nucleophiles are having either they are having complete negative charge, they may have a slight negative charge, or they may have a donatable electron pairs. So that the electron pair can be donated to other atoms. So it can have a negative charge, it can have a partial negative charge, or it can have a donatable electron pairs. That can be called as a nucleophiles. Electrophiles are those which are having an empty orbital which can accept electrons. So electrophiles will be having one empty orbital which can accept an electron. Generally, electrophiles will be positively charged or neutral species with an empty orbital, either a positively charged or a neutral species with an empty orbital are electrophiles. So it is very important to understand what is an electrophile and what is a nucleophile when we are studying substitution reactions. Nucleophiles वो चीजें होती है जिनके पास extra electrons होते हैं दूसरों को देने के लिए. आइदर नेगेटिव चार्ज होता है उनके इसमें, या फिर स्लाइटली ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर उनके इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसे वो डोनेट कर सकते हैं. तो उन स्पीशीज को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स. दूसरा होता है इलेक्ट्रोफाइल्स. इलेक्ट्रोफाइल्स वो चीजें होती है जिनका ऑर्बिटल एक एम्प्टी होता है. एक ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इट इज एन एम्प्टी ऑर्बिटल, या फिर उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है. तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट वाला एक ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, जिसमें कि हम एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स दूसरा देता है वो उसमें हम अकोमोडेट कर सकते हैं. सो दैट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इन टूडेज लेक्चर वी विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक ग्रुप्स और एरोमेटिक कंपाउंड. वी नो दैट एरोमेटिक कंपाउंड undergoes substitution reactions preferably rather than undergoing addition reactions. They are having carbon-carbon double bonds, but still they do not undergo addition reactions. They undergo substitution reactions, and preferably they undergoes electrophilic substitution reactions rather than nucleophilic substitution reactions. Electrophilic substitution reactions, aromatic compounds may easy hote hain compared with that of a न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक ग्रुप में. द इनकमिंग ग्रुप इज एन इलेक्ट्रोफाइल और एन इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीशीज.
Aromatic compounds generally undergoes electrophilic substitution rather than nucleophilic substitution because of their resonance structure. Resonance की वजह से उनके पास pi electrons होते हैं. So there is a pi cloud है, उनका electron cloud है वहां पर. So they are donatable electrons and that is why they act as a electron rich species. Aromatic groups are electron rich species due to resonance of pi electrons. And that is why they will be reacting with electron deficient species. खुद अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच के पास जाएगा तो देर विल बी अ नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगा और इसकी वजह से वहां पर हमारा एनर्जी काफी बढ़ेगा और रिएक्शन होने का चांस कम हो जाता है. लेकिन अगर सामने में हम अगर इलेक्ट्रॉन रिच हैं और हमारे सामने में जिसके साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो देर विल बी एन अट्रैक्शन बिटवीन अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज एंड सो द रिएक्शन विल हैपन फास्टर. That is why aromatic groups that are electron rich undergoes readily electrophilic substitution reactions. The pi electrons of aromatic compound attach the electrophile to form a adduct stabilized through resonance. यहाँ पर जो aromatic groups होते हैं like for example अगर हमारा benzene ring जो simplest aromatic group है इसको अगर हम देखें तो जो हर carbon atom जो होता है वहां पे 6 carbon atoms है हमारे पास तो सभी carbon atoms हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स होते हैं. यहाँ पे हर कोई कार्बन एटम हमारा डबल बॉन्डेड होता है. डबल बॉन्डेड होता है तो हर कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं. sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से इसमें क्या होता है कि दो p ऑर्बिटल्स और एक s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. हर कार्बन के एक s और दो p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. सो वी गेट 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. दिस इज 1, this is 2 and this is 3 sp2 hybridized orbitals hote hain. ye sare 120 degrees ke antar mein hote hain. so there is one p orbital left over. hamare paas ek s orbital hai aur 3 p orbitals hote hain. out of this humne ek s orbital aur 2 p orbital humne use kiye sp2 hybridization mein. so hamare paas ek p orbital bach gaya hai. वो जो एक p ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है जिसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है. वो p ऑर्बिटल ये जो प्लेन ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो होती है ऑर्बिटल्स उसके परपेंडिकुलर में होता है. सो यहाँ पे दिस ऑर्बिटल विच इज अनहाइब्रिडाइज्ड इज ए परपेंडिकुलर इन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. सो जब हम इसका शेप देखते हैं बेंजीन का तो हर कार्बन का पास एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होता है. सो अगर हम प्लेनर जो बेंजीन जो प्लेनर ग्रुप है उसको हम यहाँ पे प्लेन में दिखाते हैं तो उसके जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं हर कार्बन के वो इस तरह से वर्टिकली प्लेस्ड होते हैं. सो दैट ईच ऑफ दिस इज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन. ये अनहाइब्रिडाइज्ड है लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है. हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है बिकॉज इसका जब हाइब्रिडाइज कार्बन हमारा 6 का है टोटल. सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हर एक इसमें रहेगा. सो दैट इफ दीज टू ऑर्बिटल्स आर ओवरलैपिंग देन देयर विल बी अ पाई बॉन्ड बिटवीन दीज टू ऑर्बिटल्स. सो यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा तो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रहेंगे. ये दो ऑर्बिटल्स अगर पाई बॉन्ड बनाती हैं तो देयर विल बी अ टू इलेक्ट्रॉन्स हियर ईच वन ऑफ देम शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे हमारे पास एक पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा. सो वी विल हैव अ टोटल ऑफ 3 पाई बॉन्ड्स और 3 डबल बॉन्ड्स. वन इज दिस वन, वन हियर एंड वन हियर. सो 3 डबल बॉन्ड्स जो होते हैं वो 3 डबल बॉन्ड्स हमारे ये पी ऑर्बिटल्स के ओवरलैप की वजह से वहां पे बनते हैं. सो ये इसका रेजोनेंस होने की वजह से क्या होता है कि दिस ऑर्बिटल्स वन ये ऑर्बिटल एक बार इसके साथ ओवरलैप करेगा दूसरी बार में इसके साथ ओवरलैप करेगा. सो ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट के यहाँ चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा. सो वॉट हैपन्स इज ये जो डबल बॉन्ड्स है ये मूव करते रहते हैं एंड दैट इज वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय दिस रिंग्स. डी लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड्स होते हैं. सो यहाँ पे जो डी लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड होने की वजह से उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी डी लोकलाइज्ड होते हैं. डी लोकलाइज्ड मतलब कि वो घूमते रहते हैं. दे आर नॉट फिक्स्ड एट वन पोजिशन बट दे आर अवेलेबल एट होल ऑफ द मॉलिक्यूल. पूरे मॉलिक्यूल में वो अवेलेबल होते हैं. छह के छह
पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पूरे मॉलिक्यूल में अवेलेबल होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, और इसकी वजह से यहाँ पे एक क्लाउड बन जाता है। ये जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर में एक क्लाउड बनता है ऑर्बिटल्स के ओवरलैप की वजह से, और नीचे वाले ऑर्बिटल लोब्स भी यहाँ पे ओवरलैप करते हैं, इसमें नीचे में भी एक क्लाउड बनता है। सो जो हमारा बेंजीन रिंग होता है वो बेंजीन रिंग के ऊपर में यहाँ पे एक क्लाउड बनता है पाई ऑर्बिटल्स का या पाई इलेक्ट्रॉन्स का, और नीचे में भी एक पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड बनता है। इसकी वजह से क्या होगा कि देयर इज ए क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज देयर, सो दिस इज ए डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं ये हमारे, बिकॉज दिस इज नाउ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ये इलेक्ट्रॉन सारे पूरे मॉलिक्यूल में घूम रहे हैं, सो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ये किसी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज के साथ इजीली रिएक्ट कर सकता है, एंड दैट इज व्हाई इट अंडरगोज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो वेन एवर सच बेंजीन रिंग और सच एरोमेटिक रिंग्स कम अक्रॉस और कम नियरर टू एन इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज सच एज बी आर प्लस आयन, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बी आर प्लस आयन, कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज यहाँ पे आ सकता है। लेट अस हैव एक्स प्लस आयन और मे बी ए बी आर प्लस आयन। सो यहाँ पे जब भी ये बी आर प्लस या इलेक्ट्रोफाइल जब आता है तो इनका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके ऊपर अटैक करता है। ऑलवेज इट इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कैन अटैक द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज, इसलिए एरो हमारा हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से लेकर के इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज की तरफ ही जाएगा। ये एरो इस तरह से कभी भी नहीं आता है, ये ध्यान में रखने का कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज कभी भी अटैक नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को। इट विल ऑलवेज बी अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज विच विल बी डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, सो इट विल बी अटैक हैपनिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज टूवर्ड्स दी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज। सो एरो हमारा हमेशा इस तरफ से जाकर के इधर आएगा। सो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बी आर प्लस की तरफ जाएंगे एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ एन एडेट। इसके हमें क्या होता है कि ये जो कार्बन है ये कार्बन अपने लिए डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बी आर प्लस को देता है और बॉन्ड बनाता है कार्बन ब्रोमीन का, बट इन डूइंग सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे दो वो ये दोनों कार्बन के बीच में शेयर हो रहे थे, लेकिन अभी वो सिर्फ एक ही कार्बन और ये ब्रोमीन के बीच में शेयर हो रहे हैं। इसकी वजह से ये बाजू वाला जो कार्बन था उसका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया वो, और इस उसकी वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दिस वी कॉल इट एज ए बेंजिनोनियम आयन और ए अरेनियम आयन, वी कॉल दिस एज एन अरेनियम आयन और वी कॉल इट एज ए, इफ इट इज ए बेंजीन देन वी कॉल इट एज ए बेंजिनोनियम आयन। ये हमारा अगर बेंजीन मॉलिक्यूल होगा तो बेंजिनोनियम आयन, और अगर कोई एरोमेटिक ग्रुप होगा तो उसको हम बोलते हैं अरेनियम आयन। सो ये हमारा अरेनियम आयन या बेंजिनोनियम आयन बन गया। ये हमारा स्टेबिलाइज होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर से, इसमें ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, सो ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो जाते हैं, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाता है, प्लस चार्ज इधर आ जाएगा, सो वी विल हैव अ प्लस चार्ज ओवर हियर। अब ये यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, इसकी वजह से ये जो प्लस चार्ज है वो इस कार्बन पर आ जाएगा, दैट इज हियर वी विल हैव अ प्लस चार्ज ओवर हियर। सो ये जो प्लस चार्ज है वो घूमते रहेगा कार्बन एटम्स के ऊपर, सो कार्बन एटम्स के यहाँ पे घूमते रहने की वजह से स्टेबिलाइज हो जाता है, एंड वी विल हैव एन ओवरऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजिनोनियम आयन और अरेनियम आयन एज सच लाइक दिस, वेयर द पॉजिटिव चार्ज इज बीइंग शेयर्ड इक्वली बाय थ्री कार्बन एटम्स। थ्री कार्बन एटम्स आर शेयरिंग पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पर नहीं जाता है पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पर भी नहीं जाता है पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ जहां पर हमारा इनकमिंग ग्रुप आया है इलेक्ट्रोफाइल जहां आया है उसके बाजू वाले कार्बन पे आता है और फिर फोर्थ कार्बन पर जाता है। दिस इज द सेकेंड कार्बन, दिस इज फोर्थ कार्बन एंड दिस इज सिक्स्थ कार्बन, इवन नंबर के कार्बन पर जाता है अगर हमारा बेंजीन जो इलेक्ट्रोफाइल जो आया है वो फर्स्ट कार्बन पर आया है, तो इट विल बी ऑन द इवन नंबर्ड कार्बन, इट विल बी मूविंग पॉजिटिव चार्ज विल बी मूविंग। अभी जब ये बेंजिनोनियम आयन हमारा बन गया है तो बेंजिनोनियम आयन बनने के बाद में इसको स्टेबिलाईज करना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अभी ये हुकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है बिकॉज वी हैव टू डबल बॉन्ड्स ओनली, सो वी हैव फोर इलेक्ट्रॉन्स ओनली, सो इट इज नॉट अ नॉट फॉलोइंग हुकल्स रूल, सो दिस इज नॉट अ एरोमेटिक, इट इज नॉट एरोमेटिक स्पीशीज।
So as it is not aromatic species, its stability will be low, its energy will be high. And so what we want is, we want to convert this into an aromatic compound, or convert this into an a stable compound. So what will happen is, it will lose one of the proton. It will lose either this bromine and come back as a benzene, or it may lose this proton and become a bromobenzene. So यहाँ पे ये जो species है, ये carbon atom यहाँ से loss, hydrogen atom यहाँ से loss करता है, और it will lose a proton from here, and the bond electrons will be shifted inside, and there will be re-aromatization happens, and it becomes a aromatic compound. So यहाँ से we will get a we will have a double bond over here, a double bond and a double bond, और यहाँ पे हमारा BR group आएगा. So we will have a bromobenzene from benzene. We had started with benzene, and now we are getting it as a bromobenzene as a product. So this is a general aromatic electrophilic substitution reaction. इसका जो energy profile diagram होता है, कि जैसे बेंजीन हमारा रिएक्टेंट था, सो दैट विल बी हैविंग दिस पर्टिकुलर एनर्जी, और इसको हमें ट्रांजिशन स्टेट पर लेकर जाना है स्लोली, बिकॉज इट इज रेजिंग द एनर्जी, सो इट विल बी अ स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. व्हेन इट रीचेस द ट्रांजिशन स्टेट, इट कम्स टू अ इंटरमीडिएट कैटायन, व्हिच इज वी कॉल इट एज अरेनियम आयन या फिर बेंजीनोनियम आयन. अरेनियम आयन या बेंजीनोनियम आयन हमारा यहाँ पे बनता है, एंड सो this will be our intermediate, and it is a cationic species. It is a non-aromatic species. This one we have to remember, that this arenium ion or benzinonium ion is a non-aromatic species because it does not follow Hückel's rule. And the energy required to reach this transition state, we call it as an activation energy for the first reaction. There are two steps here. First is a conversion of benzene to benzinonium ion, and second is from benzinonium ion to the product. So we will have the second step again. There is a rise of energy to second transition state. This will be our second transition state. This is our first transition state. And then after reaching second transition state, it rapidly comes back to comes to the product, and it will lose the energy. The overall energy of the reaction is the difference in energy of the reactant and the product. This we call it as an enthalpy of the reaction, or free energy change of the reaction. It is the enthalpy change of the reaction, that is delta H0, and this is Ea is our activation energy for the reaction. So this is our electrophilic substitution reactions energy profile diagram. In this energy profile diagram, what we are having is, on y-axis we are having energy coordinate, and on x-axis we are depicting the progress of the reaction. Reaction कैसे आगे बढ़ रहा है ये हम बता रहे हैं x-axis पे, इसलिए हमारा ये x-axis होता है reaction coordinate, क्योंकि यहाँ पे reaction कैसे आगे बढ़ रहा है वो हम दिखा रहे हैं, इसलिए ये हमारा reaction coordinate हुआ. Let us have an example of electrophilic substitution reaction as nitration of benzene. Nitration of benzene is a reaction between benzene, concentrated sulfuric acid, and concentrated HNO3 to give us nitrobenzene. We will get a product as nitrobenzene when we start it with benzene and reacting it with concentrated sulfuric acid and concentrated HNO3. Here the mixture of concentrated sulfuric acid and nitric acid, this we call it as a nitrating mixture. ये हमारा नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है, जिसमें कि हमको जो रिएजेंट चाहिए होता है वो रिएजेंट हमें यहाँ से मिलता है फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. नाइट्रेशन कैन बी कैरिड आउट नॉट ओनली विथ नाइट्रेटिंग मिक्सचर, बट इट कैन बी ऑल्सो बीन कैरिड आउट बाय कॉन्सेंट्रेटेड बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और बाय यूजिंग फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड ऑल्सो. बट the problems here are that with the concentrated nitric acid, it will be a very slow reaction. Reaction will be very slow, so the product will be obtained very slowly and in a very low amount. So commercially it is not desirable to use concentrated HNO3. Similarly, if we use fuming nitric acid, it has a disadvantages that it is corrosive, as well as it is hazardous also. So
There are possibilities of accidents being done in by using fuming nitric acid, and that is why we use it nitrating mixture, where it is a mixture of concentrated H2SO4 and a concentrated HNO3. So in this case, what happens is there are particularly two advantages are there, that during nitration there is a water molecule is produced. So H2O is produced, and this H2O is absorbed by the concentrated H2SO4, because H2SO4 is a very good dehydrating agent. So what happens over here is that one of the product is getting absorbed. In an equilibrium, अगर हमारे पास A plus B giving rise to C plus D होता है, अगर हम इसको remove कर सकते हैं, अगर D हमारे पास से निकल जाएगा तो ये जो back reaction होता है ये back reaction होगा ही नहीं, because D हमारे पास रहेगा ही नहीं, अकेला C back A to B नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, it will be a forward reaction only will happen, and so more and more amount of A plus B will react to form C. So यहाँ पे C ज्यादा quantity में बनेगा, C ज्यादा quantity में बनेगा, that is nitronium ion हमारा ज्यादा quantity में बनेगा, तो फिर वो ज्यादा reaction carry out करेगा, and we will get more product also. So that is one advantage over there. The second advantage is that the H2SO4 is a stronger acid, stronger than HNO3. And because of that, HNO3 acts as a base in presence of H2SO4, and so it can react to form NO2+ very easily. So which is the required new electrophile also in this reaction. So we get this two advantages for using nitrating mixture or concentrated H2SO4 and concentrated HNO3 over just the usage of concentrated HNO3 or fuming nitric acid. HNO3 सिर्फ हम यूज करते हैं तो रिएक्शन स्लो होता है, और फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं तो रिएक्शन फास्ट बनता है, लेकिन वो करोजिव होता है और हजार्डस भी होता है मटेरियल, और इसकी वजह से ये डिजायरेबल नहीं होता है. देयर आर हेल्थ हजार्ड्स एसोसिएटेड व्हेन वी आर यूजिंग फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड. लेकिन जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 का मिक्सचर लेते हैं, दैट वी कॉल इट एज ए नाइट्रेटिंग मिक्सचर, तो हमारे पास दो एडवांटेजेस बनते हैं कि एक बाय प्रोडक्ट जो बनेगा वो बाय प्रोडक्ट हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एब्जॉर्ब कर देता है, इसलिए उसको वो वहां से इंस्टेंटेनियसली रिमूव कर देता है, एंड हेंस द रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और हमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल्स मिलते हैं. दूसरा होता है कि H2SO4 स्ट्रॉन्गर एसिड होता है कंपेयर टू HNO3, और इसकी वजह से हमें नाइट्रोनियम आयन मिलता है जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल है. सो इट इज एडवांटेजियस इन यूजिंग दिस नाइट्रेटिंग मिक्सचर ओवर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड्स. ये जो मिक्सचर होता है ये जनरली अंडर इट इज प्रिपेयर्ड अंडर कूलिंग कंडीशंस. इट इज प्रिपेयर्ड अंडर कूलिंग कंडीशंस और एट अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस में हम ये बनाते हैं मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3. और फिर जब हम ऐड करते हैं तो आइदर एट रूम टेम्परेचर या फिर बिलो 55 डिग्री सेल्सियस हम उसे बेंजीन से ऐड करवाते हैं, एंड वी गेट द प्रोडक्ट एज नाइट्रोबेंजीन. देयर आर ओवरऑल 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन. देयर आर ओवरऑल 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन. द फर्स्ट स्टेप इज अ जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल. यहाँ पे हमारा जो है नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, दिस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3, दिस टू मिक्सिंग टूगेदर विल गिव अस ए इलेक्ट्रोफाइल. दे विल जनरेट इलेक्ट्रोफाइल. यहाँ पे हमारे पास रेडीली इलेक्ट्रोफाइल कुछ नहीं है. पिछले रिएक्शन में हमने देखा था कि Br+ डायरेक्टली हमने ले लिया था, लेकिन एज सच Br+ तो हमें मिलता नहीं है, हमें उसे जनरेट करना पड़ता है रिएक्शन कंडीशन में. सो वी हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर इलेक्ट्रोफाइल. सो जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल इज अवर फर्स्ट स्टेप. यहाँ पे क्या होता है कि वी हैव टू एसिड्स, वन इज एन HNO3 एसिड and another is H2SO4. इनमें जो स्ट्रॉन्ग होता है that will be acting as an acid, और जो वीक होगा वो उस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में बेस बनेगा. थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज whenever टू substances रिएक्ट, whenever there is a two substances that are reacting, if we are classifying, say we have A plus B reacting together,
So, अगर हम इनमें एक को हम एसिड बोलेंगे तो दूसरा हमारा बेस बनता है, वेदर इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर एज सच हमारा वो एसिड है या बेस है इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर बी से ए ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, अगर ए और बी दोनों एसिड्स हैं लेकिन बी हमारा वीक एसिड है और ए हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ए के सामने बी विल एक्ट एज ए बेस। व्हेन देयर आर टू एसिड्स आर प्रेजेंट अमंग्स द टू एसिड्स, जो वीक होता है वो बेस होता है, बेस बनता है और इट एक्ट्स एज ए बेस, एंड स्ट्रॉन्ग वाला जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है दैट एक्ट्स एज एन एसिड। सो दिस इज ऑलवेज ट्रू। सो यहाँ पर हमारा क्या होता है, सो व्हाट वी कैन से इज दैट वी कैन क्लासीफाई ऑल ऑल सब्सटेंसेस एज ए एसिड्स रादर देन बेसिस, बिकॉज वी कैन से दैट वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, द अदर इज ए वीक एसिड। इट इज नथिंग लाइक ए बेस, इट विल बी ऑल सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड एज एसिड्स ओनली, वन इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, द अदर इज ए वीकर एसिड। तो यहाँ पे जो हमारा होता है एक है HNO3 है और दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड। वी नो दैट नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दिस बोथ ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बट अमंग्स देम H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड, इज स्ट्रॉन्गर एसिड, while HNO3 is comparatively weaker acid. It is not a weak acid, but when we compare it with H2SO4, it is weaker. So, being a weaker acid, in presence of H2SO4, in presence of concentrated H2SO4, HNO3 acts as a base. So, यहाँ पे base का काम क्या होता है? We know that whenever there is a acid and bases are reacting together, we have acid is a proton donor and base is an proton acceptor. So we will have a A plus, A minus we will have it, and here BH plus we will get. AH has donated H plus ion. So यहाँ पे H plus ion donate किया है, इसलिए यहाँ पे negative charge आ गया और H plus बाहर गया। We will have a AH giving rise to dissociates as A minus and H plus. तो ये जो H plus है, this H plus is picked up by B because it is a base, so it will become a BH plus. Base का काम होता है प्रोटोनेट करना, खुद को प्रोटोनेट करना, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, दूसरे का प्रोटॉन ले लेने का काम होता है बेस का, और एसिड का काम होता है प्रोटॉन देने। तो बेस का काम होता है प्रोटॉन लेने का और एसिड का काम होता है प्रोटॉन देने। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रिक एसिड इज एक्टिंग एज ए बेस, सो इट विल टेक अप अ प्रोटॉन, एंड H2SO4 इज एक्टिंग एज एन एसिड, सो इट विल डोनेट अ प्रोटॉन। सो H2SO4 ने जब प्रोटॉन डोनेट किया तो यहाँ पे ऑक्सीजन विल बी टेकिंग अप द प्रोटॉन एंड इट विल गेट प्रोटोनेटेड। सो वी विल हैव HNO3, H2NO3 plus we will get. This will lose a proton, this will lose a water molecule, and as such a, as it loses a water molecule, it will become a nitronium ion will be formed. We will have a nitronium ion. This nitronium ion is positively charged species, and so it acts as an electrophile in our reaction. In our nitration reaction, it acts as an electrophile. So this is our electrophile. दिस इज जनरेटेड इन टू स्टेप्स। पहला स्टेप होता है कि जो ये जो हमारा बेस है HNO3 हमारा इस रिएक्शन में बेस है, सो इट एक्ट्स और इट एक्सट्रैक्ट्स अ प्रोटॉन फ्रॉम एसिड H2SO4। एसिड है हमारा H2SO4 और बेस है हमारा HNO3, सो बेस हमारा प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन खींचता है H2SO4 से और इट गेट्स प्रोटोनेटेड। सो इट विल हैव दिस प्रोटोनेटेड फॉर्म, और ये जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है, इन दिस स्टेप नाइट्रिक एसिड एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रॉन्गर एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज़ नाइट्रिक एसिड इज वीकर कंपेयर टू H2SO4, सो इट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन एंड गेट्स प्रोटोनेटेड। नाउ दिस प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड विल डिसोशिएट, और इट कैन डिसोशिएट टू फॉर्म अ नाइट्रोनियम आयन, बिकॉज इट विल डिसोशिएट टू लूज अ वाटर मॉलिक्यूल, एंड एज सच एज इट लूजेस अ वाटर मॉलिक्यूल it will form a NO2 plus. So this NO2 plus acts as a electrophile in the nitration of benzene. Now, in the second step, there is an attack on the electrophile. Here we are saying it attack on electrophile. We are not saying attack by electrophile.
इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज, उसके पास ऑलरेडी कुछ भी नहीं है तो वो कहाँ से अटैक करेगा, उसके पास कुछ होना चाहिए अटैक करने के लिए। हम सेना के सैनिक को बॉर्डर पे ऐसे ही बिना बंदूक के तो छोड़ नहीं सकते हैं, वहां पे बंदूक होगी तो ही वो अटैक करेगा। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के पास है इसलिए बेंजीन अटैक करेगा नाइट्रोनियम आयन पे, नाइट्रोनियम आयन अटैक नहीं करेगा बेंजीन पर। सो इट विल बी बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट अटैक्स द नाइट्रोनियम आयन नाइट्रोजन विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट सेंटर। तो यहाँ पे हमारा नाइट्रोनियम आयन पे NO2+ पे NO2 नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन विल बी अटैकिंग द नाइट्रोजन ऑफ इट एंड सो दैट वी विल गेट ए अरेनियम आयन और वी गेट ए बेंजीनोनियम आयन। यहाँ पे हमारा बेंजीन रिंग है इसलिए बेंजीनोनियम आयन। जनरल रिएक्शन है, दूसरा कोई भी कंपाउंड होगा तो वी कैन डायरेक्टली से दैट एन अरेनियम फॉर्म। ये अरेनियम आयन देन यहाँ उसके बाजू वाले कार्बन पर जब ये अटैक करता है यहाँ पर, तो ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है लेकिन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है एंड सो इट अक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज, हेंस दिस कार्बन इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे दिस पॉजिटिव चार्ज इज रेजोनेटली स्टेबलाइज्ड बाय दिस डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। सो द पॉजिटिव चार्ज मूव्स टू फोर्थ कार्बन, दिस इज आवर फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। So it moves to fourth carbon and then this double bond moves over here so that we will have the positive charge shifting towards the sixth carbon. So that 2, 4, 6 carbon atoms are having positive charge and hence we can write the overall structure of this as a positive charge being circulated. Here we have a hydrogen and here we have a NO2. Now this is our nitronium or benzinonium ion that we have got it. The nitronium ion is the electrophile in the nitration. It reacts with benzene to form a resonance stabilized arenium ion. The third step is a loss of proton and rearomatization. यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है ये लॉस हो सकता है या फिर नाइट्रोनियम आयन बाहर आ सकता है। नाइट्रोनियम आयन बाहर आया तो वी विल गेट बैक दी बेंजीन, सो रिएक्शन हुआ ही नहीं। जब प्रोटॉन बाहर आएगा तो वी विल गेट द प्रोडक्ट। सो वो प्रोटॉन जो बाहर आएगा वो हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ था नाइट्रिक एसिड में, जब हमने नाइट्रिक एसिड को प्रोटोनेट किया था NO2, तो यहाँ पे जो हमने प्रोटोनेट किया था इट लॉस H2O+ NO2+ हुआ था हमारा। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल निकला था दैट वाटर मॉलिक्यूल कैन एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम हियर एंड इट कैन फॉर्म अ डबल बॉन्ड ओवर हियर सो दैट इट बिकम्स अगेन एरोमेटिक रिंग। ये हमारा नॉन एरोमेटिक है और इट इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड एंड दिस वन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। सो यहाँ से हमारा ये जो नॉन एरोमेटिक है उसका एरोमेटाइजेशन हो रहा है, सो इट इज बिकमिंग ए रीएरोमेटाइजेशन। हमारा इनिशियल बेंजीन रिंग था वो एरोमेटिक बेंजीन ग्रुप हमारा एरोमेटिक कंपाउंड था एंड नाउ वी आर गेटिंग नाइट्रोबेंजीन एज एन एरोमेटिक ग्रुप बगे। सो यहाँ पे अरेनियम आयन लूजेस अ प्रोटॉन टू ए लेविस बेस एंड बिकम्स अ नाइट्रोबेंजीन। आइदर दिस वाटर मॉलिक्यूल कैन अब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन और वी कैन हैव HSO4- ऑल्सो, बिकॉज H2SO4 आफ्टर डोनेटिंग प्रोटॉन हैज बिकम HSO4-, सो प्रोटॉन वॉज डोनेटेड टू नाइट्रिक एसिड सो उसके बाद में HSO4 बना था, दिस इज अ लेविस बेस। सो ये बेस भी प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है एंड इट बिकम्स ए हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रोबेंजीन हमें मिलता है एज ए प्रोडक्ट। इसका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है दैट कैन बी बेंजीन रिंग, दिस बेंजीन रिंग प्लस एनर्जी ऑफ HNO3 एंड H2SO4 बीइंग डिपिक्टेड ओवर हियर। वी विल हैव अ फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट ओवर हियर एंड दैट कम्स डाउन टू द बेंजीनोनियम आयन और द अरेनियम आयन एज एन इंटरमीडिएट। अगेन द एनर्जी राइजेस ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, अगेन द एनर्जी राइजेस एंड इट गोज टू सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट एंड देन इट फॉल्स बैक टू और फॉल्स टू द प्रोडक्ट दैट इज नाइट्रो बेंजीन। इट फॉल्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड टू नाइट्रो बेंजीन एंड द ओवरऑल रिएक्शन का जो एनर्जी होगा दैट एनर्जी विल बी दिस मच एनर्जी विल बी द ओवरऑल रिएक्शन एनर्जी,
दैट इज वी हैव अ डेल्टा एच जीरो दैट इज एंथाल्पी ऑफ रिएक्शन, ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी होगा फर्स्ट स्टेप का दैट इज ई ए एंड दिस विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट दैट इज ई ए टू एंड दिस वन इज ई ए वन. So overall, this will be our energy profile diagram for a nitration of benzene. So this was for the nitration of benzene. Other examples of electrophilic substitution reactions we will take up in the next lecture. Thank you.